हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज क्लास 12 का चेंज इन प्रॉफिट एंड रेशियो का चैप्टर है बेटा। और चेंज इन प्रॉफिट एंड रेशियो में देखना पार्ट 21 है, नहीं सॉरी पार्ट 22 है बेटा। और क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि आपका जो कैपिटल है प्रॉफिट एंड रेशियो में कैसा होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड रेशियो का मतलब होता है बेटा, जिस पार्टनर की जितनी रेशियो होता है ना, उसकी कैपिटल को उसके रेशियो से डिवाइड कर दीजिएगा, तो हर एंगल में तीनों जितने भी पार्टनर होंगे सारे कैपिटल क्या होगा, सेम होगा। जो सपोज एग्जांपल ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज कि ए बी सी तीन पार्टनर है, ए का कैपिटल 3 लाख है, बी का 2 लाख है और सी का 1 लाख है, रेशियो 3:2:1 है। क्लियर है? तो ये 3 लाख को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1 लाख। 2 लाख 2 लाख को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 1 लाख। और 1 लाख 1 से डिवाइड करें कितना, 1 लाख। मतलब तीनों के केस में कितना हो गया, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर बेटा? हम जिस पार्टनर के जितने रेशियो होंगे उसी के हिसाब से करनी चाहिए, उसकी कैपिटल होनी चाहिए। वही इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, आपको निकालना है। ठीक बेटा, तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, ओम सूर्य एंड हरि वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। इसका जो रेशियो है बेटा 3:2:1 है, ये जो रेशियो है 3:2:1 है। क्या क्या है, 3:2:1 रेशियो है। ऑन 31 मार्च 2022 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है बेटा। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ ओम सूर्य एंड हरि एज एट 31 मार्च 2022। ठीक है, लाइब्रेज अमाउंट एसेस अमाउंट स्केटेज कितना है, 50,000। जीएनएल कितना है, 60,000। पार्टनर्स कैपिटल ओम का 2 लैक्स, सूर्य का 3 लैक्स, हरि का 3 लैक्स हो गया, टोटल हो गया 8 लैक्स है बेटा। और एस एस एड पा दिए कैश इन हैंड 40,000, कैश एट बैंक 2 लैक्स, स्टॉक 50,000, डेटर 60,000 और फिक्स एसेट कितना है बेटा, 5,60,000 है। राइट बेटा? अभी आपका क्या है, ये एडजस्टमेंट है। ये क्या बेटा, एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, देख लीजिए। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज रिकंस्टिट्यूटेड एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट रिकॉन्स्टिट्यूटेड रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड इट वॉज डिसाइडेड एट 1:1 द न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी 2:1 है। जो न्यू रेशियो है बेटा वो कितनी है, 2:2:1 रेशियो है। और ओल्ड रेशियो 3:2:1 है। 2 बैड डेब्ट ₹6,000, बैड डेब्ट कितना गया 6,000। वर टू बी रिटर्न ऑफ पर निकलना है, टू बी रिटर्न ऑफ करनी मतलब खत्म करना यहाँ से। एंड अ प्रोविजन ऑफ 3,000, प्रोविजन कितना है बेटा 3,000, वर्स टू बी मेड, आपको करना है प्रोविजन। मतलब 6,000 तो कन्फर्म डूब गया, 3,000 डूबने की चांसेस है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ज्यादा भी सकता है कम भी हो सकता है। थर्ड एडजस्टमेंट है, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड इन द न्यू फर्म इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो कैपिटल है बेटा उसको एडजस्ट करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसमें करना है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो कैपिटल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, फॉर दिस पार्टनर्स करंट अकाउंट विल बी ओपन, मतलब क्या हुआ, यदि किसी को ज्यादा किसी को कम है तो जो डिफरेंस आएगा उसका जो एडजस्टमेंट करेंगे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, ना कि कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू। ठीक है, वही आपसे बोला है। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री चैलेंज ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये बेटा इसमें आपका जो चेंज होगा, जो रेशियो आपने चेंज किया उसकी वजह से जनरल में क्या फर्क पड़ेगा, वही एंट्री आपको क्या करना है, पास करें। तो देखिए इसको,
देखिए बहुत अच्छा एंट्री है और इजी है, बहुत टफ नहीं है। देखिए तो आपके पास जीआर कितना है, 60,000 है, तो जीआर बुक का कीजिए और रिसम डिस्ट्रीब्यूट करिए। यदि क्वेश्चन साइलेंट होता है, कुछ ही नहीं बोलता कि किस आइटम के विषय में कुछ क्या करेंगे, तो जितने भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होगा, जितने भी एक्युमुलेटेड लॉस है, उसको और रिसम डिस्ट्रीब्यूट करके क्या करना है, खत्म कर देना है, फिनिश कर देना है। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट से नील कर देनी है। देखिए जनरल जब सीसी था ने, ठीक है, जनरल जब अकाउंट दिया सीसी था ने, टू ओम्स कैपिटल 30,000, टू सुरेश कैपिटल 20,000, टू हरीश कैपिटल 10,000, किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, और इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, मतलब 60,000 इंटू 3/6, 60,000 टू बाई सिक्स और 60,000 1/6 मीन जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ऑल रेशियो। रिवेल्यूशन अकाउंट देखो डेटर्स कितना बैलेंस हो गया, 6,000, तो टू डेटर्स 6,000, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना, 3,000। ठीक ना, और रिवेल्यूशन अकाउंट को एडजस्ट कर देंगे। तो रिवेल्यूशन अकाउंट दिया 9,000 हो गया, डेटर्स का 6,000, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना, 3,000 है। बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन क्रिएटेड है। अब ये जो अमाउंट है बेटा, ये वाली, ये जो रिवेल्यूशन लॉस है उसको पार्टनर्स में क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन ऑल रेशियो में। ठीक है, चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओम्स कैपिटल अकाउंट दिया 4,500, किसमें ऑल रिसम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। ठीक है, ये 9,000 है, ऑल रिसम डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी प्रकार सारे करेंगे बेटा। टू रिवेल्यूशन अकाउंट बीइंग रिवेल्यूशन लॉस ट्रांसफर इन पार्टनर्स इन ऑर्डर्स, ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता। अब यहाँ पे बोल रहा है ये कैपिटल को क्या कीजिए, प्रोपोर्शनेट कीजिए। तो बेटा कैसे कर दे, देखिए जो कैश शॉट में आने वाला है पार्टनर्स कैपिटल के शॉट में आने वाला है उसको ऐड कर दिए, और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जो आने वाला है उसको, और सारे कैपिटल को क्या करिए जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको न्यू रेशियो में क्या कर दीजिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे ये कर रहा है स्टेटमेंट स्वयं कैलकुलेशन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल, ओम का कितना 2 लाख, सूर्य का कितना 3 लाख, और हरी का कितना 3 लाख, टोटल कितना हो गया बेटा 8 लाख हो गया, राइट। जो जनरल रिजर्व है वो कितना 60,000 है, और ये पार्टनर्स कैपिटल के कैश में आता है तो ऐड हो जाएगा 30,000। इसको ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, किसने बेटा, ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये ध्यान रखिएगा ऑल रेशियो में। जिस आइटम का जो बैलेंस होता है, डेबिट है तो डेबिट साइड में यदि लिख रहे तो बढ़ेगा, और कैश साइड में लिख रहे तो घट जाएगा। उसी प्रकार कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, तो कैश साइड में आने वाला ऐड होगा और डेबिट साइड में आने वाला लेस होगा। तो रिवर्सल लॉस पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड में आता है, डेबिट में आता है, क्योंकि यहाँ पर अभी अकाउंट्स बना के करूंगा काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है बोर्ड में। ठीक है, तो आपको कुछ प्लस माइनस के थ्रू भी समझना है,
तो इन्वेस्टर ने बैंक कितना लॉस है 4,500, 6,000 और 1,000 को लिखा कि आपने ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब उसको जब इसमें से इसको प्लस माइनस कीजिएगा तो आएगा 2,25,500, इसका 3,17,000, इसका 3,8,500, टोटल कितना 8,51,000 है। अब इसको 8,51,000 को क्या करिए न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक बेटा। तो जब न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो हम पाएगा 3,40,000, सूर्य का 3,40,000 और हरी का आ गया 1,70,200 बेटा, ठीक है। इसे फॉर्म पे कर लीजिए, देखो इसको कितना होना चाहिए था 3,40,000 कैपिटल होना चाहिए, पढ़ाई कितना 2,25,500, इसका मतलब क्या हुआ ये इतना कैपिटल 1,40,900 क्या करेगा और लाएगा, और लाएगा मतलब क्या हुआ कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे लेकिन करंट अकाउंट के थ्रू। उसी प्रकार इसका कैपिटल कितना होना चाहिए था सूर्य का 3,40,000, पढ़ाई कितना 3,40,400 और है कितना 3,17,000, तो 23,400 क्या करना और पे करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, तभी तो बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ होना कितना चाहिए था 1,70,200 पर है कितना 3,08,500 ज्यादा है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है कम करना है, तो हरी के कैपिटल को क्या करेंगे डेबिट करेंगे कितना 1,30,300 पास कर दीजिए। हरी करंट अकाउंट डी आर 1,38,300 टू ओम्स करंट अकाउंट 1,40,900, ठीक बेटा, और टू सूरज करंट अकाउंट 23,400। बेटा ये कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिए बेटा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसे बाहर जाने की जरूरत नहीं, काफी सारे क्वेश्चन दे दिए काफी जो कि बुक में भी नहीं है, ठीक बेटा, बस प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा बेटा। ओके थैंक यू।